नमस्कार, मैं डॉक्टर कुंदन ज्योति आज आपको राशियों के बारे में बताऊंगा। आकाशमंडल में 360 अंश बनाए गए हैं, जिसको 12 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग के मान 30 अंश माना गया है। हर राशि 30-30 अंश की होती है, जिसमें पहली राशि मेष है। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है, जिसका रंग लाल और अंक 9 है। दूसरी राशि वृषभ राशि है, जिसका स्वामी शुक्र है, जिसका रंग हल्का नीला और अंक 6 है। तीसरी राशि मिथुन है, जिसका स्वामी ग्रह बुध है, जिसका रंग हरा और अंक 5 माना गया है। चौथी राशि कर्क है, जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जिसका रंग सफेद और अंक 2 माना गया है। पांचवी राशि सिंह है, जिसका स्वामी ग्रह सूर्य है, जिसका अंक 1 और रंग सुनहला पीला माना गया है। छठी राशि कन्या है, जिसका स्वामी ग्रह बुध है, जिसका रंग हरा और अंक 5 माना गया है। सातवीं राशि तुला है, जिसका स्वामी ग्रह शुक्र है, जिसका अंक हल्का नीला और रंग हल्का नीला और अंक 6 माना गया है। आठवीं राशि वृश्चिक है, जिसका स्वामी ग्रह मंगल है, जिसका रंग लाल और अंक जो है 9 माना गया है। नवीं राशि धनु है, जिसका स्वामी ग्रह गुरु है, जिसका रंग पीला और अंक 3 माना गया है। दसवीं राशि मकर है, जिसका स्वामी ग्रह शनि है, जिसका अंक 8 और रंग गाढ़ा नीला माना गया है। आकाश की 11वीं राशि कुंभ है, जिसका स्वामी ग्रह भी शनि है, जिसका अंक गाढ़ा नीला और रंग गाढ़ा नीला और अंक 8 माना गया है। आकाश की आखिरी राशि मीन है, जिसका स्वामी ग्रह गुरु है, जिसका रंग पीला और अंक 3 है। इस प्रकार आकाश मंडल में 12 राशियों का अपना अलग अलग स्थान है। सबके स्वामी ग्रह अलग हैं और सबके रंग अंक अलग होते हैं, और इन्हीं राशियों और इनके स्वामी ग्रहों का प्रभाव धरती पर सभी चर अचर जीवों पर पड़ता है। इनके गोचर के अनुसार हर चीज़ें बदलती रहती हैं। अब मैं अगले अंक में आपको ज्योतिष से संबंधित कुछ और चीज़ों के बारे में विस्तार से बताऊँगा। नमस्कार।